तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग बिहार जंगल से चल करके अपने साधन के बाद जब यहाँ आकर के पहुंचे हैं, रास्ते में आ चुके हैं। पीछे जंगल है, लेकिन चारों तरफ का किस तरह का जंगल है, भयानक जंगल है। और ये उमेश भैया अब भी नहीं, बरसात में भी आते हैं, और जब नहीं होता है, फोर व्हीलर नहीं आ पाती है, तो 1-1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी करके दो पहिया से या तो किसी तरह पैदल चल करके ऐसे जंगल में आते हैं। अब चारों तरफ एक बार मैं चाहूंगा भाई साहब को दिखाइए कि यहाँ का जंगल कैसा है, और एक सामान्य व्यक्ति कैसे आ सकता है, क्या ये सरल जंगल है या बनावटी जंगल है। आप देख सकते हैं कि बीहड़ जंगल है, और यहाँ पर आ करके सेवा जो संकल्प का जो इन्होंने वीणा उठाया है, संतों की सेवा और संतों के दास जो है उमेश जी के माध्यम। उमेश भैया क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव अभी तक का क्या रहा? बस हम तो जानते हैं कि प्रणाम दोस्तों, राधे राधे, जय सियाराम। हमारा अनुभव क्या है, जो भी हमारा अनुभव है आप लोगों के सामने है। हम तो कुछ बनावटी या प्रायोगिक ढंग से कोई काम कर नहीं पाते। सही, हम तो जो सीधा सीधा रहता है वही चीज अपने वीडियो में भी दिखाते हैं और आप लोगों के सामने भी रहते हैं। तो जो भी रहता है, बस मेरा प्रेम भाव है संतों के प्रति कि महाराज जी लोगों को हम जहाँ जाते हैं वहाँ सबसे पहले तो महाराज जी लोगों से ये पूछते हैं कि महाराज जी आपकी दिक्कत क्या है, आपके लिए ज़रूरी क्या है, अगर कोई हमारे लायक सेवा हो तो आप बताएं, एक बार बताएं। तो जानबूझ करके बहुत से संत बताना भी नहीं चाहते, लेकिन उनसे हम किसी न किसी प्रकार से जान लेते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरत है, तो वो चीज़ हर हाल में हम वहाँ पहुँचाते हैं। जी और एक वादा भी करके आते हैं महाराज जी लोगों से कि महाराज जी आप जैसे कुछ महात्मा कहते हैं हम भजन सिर्फ भजन ही करते हैं, जंगल से कभी बाहर नहीं जाते, तो ऐसे महात्मा जी लोगों को हम वचन देके आते हैं कि महाराज जी आप भजन करिए और आपके भोजन और भजन से संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, हम पहुंचाते रहेंगे। तो हम जब भी लौटते हैं और जहां भी रहते हैं ध्यान में रखते हैं कि ये चीज़ महाराज जी लोगों को घट गई होगी, क्योंकि जंगल में नेटवर्क भी नहीं रहता तो महाराज जी लोग फोन तो कर नहीं पाते। हाँ लेकिन हम कभी आपके द्वारा या कभी और मित्रों के द्वारा जो चित्रकूट में हमारे बहुत से जानने वाले भी हो गए हैं, दुकानदार भी जानने वाले हो गए हैं, तो उन लोगों को हम फोन कर देते हैं कि फला जगह महाराज जी के पास ये जरूरत होगी, आप चले जाइए, सही, या किसी महात्मा के पास फोन है तो उनसे पता करवा लेते हैं। तो इस तरह से हम पहुँचाते रहते हैं। अब देखिए, आज ही हमारा प्लान है कि घूम घूम करके सामान पहुँचा रहे हैं। सेवा करने का। जी हालांकि हर जगह हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ जगह हर जगह वीडियो बनाएंगे तो कई जगह जा नहीं पाएंगे, तो सामान तो पहुंचाना ज़रूरी है, तो सामान पहुंचाएंगे। गाड़ी हम लोग खड़ी करके करीब 1 किलोमीटर इसी तरह से आ रहे हाँ हैं, आपके काफी साथ दूर, ही आ रहे हैं। ये पहली तो बार, बल्कि मैं चित्रकूट में लगातार रह रहा हूँ, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ। और ये जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, दो पहिया भी नहीं आ सकता, मतलब पैदल ही आप चल सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर के अंदर। और एक चीज अभी जानकारी हुई, जैसा कि आपके माध्यम से, कि मतलब एक संत जी जो है, सब जानकारी मिली कि मतलब आपने घी वू की व्यवस्था, हवन ववन की व्यवस्था आपने उनके लिए किया। अब उनको देने के लिए लगभग आपको 2 किलोमीटर की वहां पर यात्रा करनी ही करनी पड़ेगी, तब जहाँ गाड़ी जाकर, खड़ी की है कहाँ से हम लोग 1-1.5 किलोमीटर इधर जा रहे हैं, हाँ, फिर वापस आएंगे। फिर गाड़ी के पास जाएंगे, सामान लेंगे, फिर वहां से 1-1.5 किलोमीटर उस साइड में जाएंगे। तो हाँ शायद रास्ता हम लोग यही है, आगे बोले भटक रहे हैं क्या? हैं कि क्या है, हमारे साथी बोल रहे हैं कि रास्ता इधर से है, इधर से है रास्ता। एक जैसे तीन रास्ते तो हैं, हर जगह सेम ये जैसे थोड़ा जंगल सा में ऐसा रहता दिखता। है कि जंगल में कभी कभी हम रास्ता भूल भी जाते हैं, हाँ, हम लोग देखते भूल करके आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे जंगल में रास्ता हम लोग भूल जाते हैं, कभी कभी दिन दिन भर ऐसे भटकते रहते हैं। अब साथ में न पानी रहता है न कुछ भी रहता है। अब इसमें तो कोई पदचिन्ह भी नहीं कि भाई आना जाना लगातार होता है कि कैसे क्या है, क्या सही चल रहे हैं हम लोग? काफी जो है ये रास्ता नहीं है, हाँ, आगे है, आगे आगे पूरा रास्ता बंद ही है। है। वहां से रास्ता शायद एक और दिखिए, जहाँ लोग थोड़ा बहुत आने जाने का चिन्ह बना हुआ है, ये रास्ता है नहीं। सोचिए, व्यक्ति जो है अचानक आए, और ये लोग आते रहते हैं, इसके बाद भी देखिए रास्ता भ्रमित हो जाते हैं कि कहाँ से आना है, कैसे क्या है। तो एक सामान्य व्यक्ति, एक पहली बार कोई,